तो हाल ही के कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर छाए हुए आरिफ और सारस के बारे में आप सभी को पता होगा। आज हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ जनपद के ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, जहां पर आप ठीक वही सेम सारस देख सकते हैं जो आरिफ और सारस के केस में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ है। दोस्तों, ये वो सारस तो नहीं है, लेकिन वही प्रजाति है। इसे इंडियन क्रेन कहा जाता है, जिसे भारतीय सारस हिंदी में कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम ग्रूस एंटीगोन है, जो कि हमारे भारत देश में पाया जाता है, और ये एक नॉन माइग्रेटरी बर्ड है। आरिफ और सारस के केस में जो सारस आपने देखा, वो एक भारतीय प्रजाति का सारस है, जो भारत के लगभग ज़्यादातर इलाकों में पाया जाता है, ख़ास तौर पर मैदानी और दलदली इलाकों में पाया जाता है। इनका मेन भोजन वो मछलियाँ और छोटे जीव होते हैं, मेंढक इत्यादि, और उन्हीं को खाकर ये लंबे समय तक रहते हैं। लाइफ में ये एक ही बार जोड़ा बनाते हैं, नर और मादा एक साथ रहते हैं और साथ में ही उन्हीं मैदानी इलाकों के पास घोंसले बनाकर अंडे देते हैं, और अगर उनमें से किसी एक की भी मृत्यु किसी कारणवश हो जाती है तो दूसरा भी ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाता। तो देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सारस है ये, जो अपनी खूबसूरती और आवाज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है और इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर आप प्रतापगढ़ ज़िले में रहते हैं और सारस देखने के शौकीन हैं, तो आप वन विभाग आ सकते हैं और इस सारस को देख सकते हैं। ये सारस वन विभाग की टीम को फतनपुर थाने के पास मिला था। ये काफ़ी लंबे समय से फतनपुर थाने में रह रहा था। इसका एक पंख किसी घटनावश काम नहीं करता है, इसलिए यह उड़ने में सक्षम नहीं है दोस्तों, और इसी वजह से वन विभाग ने इसे अपनी देखरेख में यहाँ पर रखा है। इसके खाने पीने का और रहन सहन का सारा प्रबंध वन विभाग की टीम, यहाँ का प्रशासन कर रहा है। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, और राजकीय पक्षी होने के कारण इसको विशेष दर्जा प्राप्त है। एक वन्य जीव होने के कारण इसको कोई भी सामान्य व्यक्ति पाल पोस नहीं सकता, इसको अपने पास नहीं रख सकता, कैप्टिविटी में नहीं रखा जा सकता। आरिफ और सारस के केस में यही समस्या सामने आई। आरिफ ने बहुत ही अच्छा काम किया था इस पक्षी को बचाकर, और उसकी देखभाल लंबे समय तक की थी, लेकिन एक बात शायद वो भूल गए थे कि किसी भी वन्य जीव या पशु पक्षी का गुजारा इंसान के साथ नहीं होता। वो जोड़ा हमेशा बनाएगा तो अपने ही कैटेगरी के जीव के साथ ही बनाएगा, अंडे देगा, बच्चे पालेगा, अपने बाकी की लाइफ जिएगा। तो कहीं ना कहीं उस सारस की एक अपनी जिंदगी खो रही थी। वो सारस आरिफ के साथ इतना अटैच हो गया था, उन्हीं को अपना साथी मान रहा होगा शायद, लेकिन इससे उसका गुजारा नहीं होना था। वो एक वन्य जीव है, वन्य पक्षी है, जिसको एक साथी की आवश्यकता होती है, और साथी के साथ वो रहकर भविष्य में अपनी अगली पीढ़ी को आगे बढ़ा सकता था, लेकिन मौजूदा स्थिति में वो कानपुर के चिड़ियाघर के एक पिंजरे में आइसोलेटेड स्थिति में रखा गया है, जो कि पहले से भी बदतर स्थिति है उस सारस के लिए। दोस्तों, आपकी इस मामले पर क्या राय है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आपको लगता है कि इंसानों को बहुत ही ज़्यादा वन्य जीवों के मामले में दखलंदाजी करनी चाहिए? ऐसे ही और रोचक वीडियोस और हमारे स्नेक रेस्क्यूज और रेप्टाइल्स रेस्क्यू को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें और सब्सक्राइब का बटन दबा लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके कमेंट करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।